हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास है स्मार्ट वॉच बोल्ट की। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बोल्ट लिखा हुआ है, दिख गया होगा। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल्ट लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। सॉरी यहाँ पे है नहीं ये लिख रखा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यदि इसके अंदर की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही आपको इस तरीके का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हर बार दिख जाएगा। यदि आप इसको लगाने के बाद जैसे हमारे पास जैसे थोड़ा सा हाथ हिलाओगे, कैसे भी हाथ हिलाओ आपको टाइम दिखा देगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जो हमारी जो बैटरी है वो 39% है, 25 संडे है, 2:19 हो चुके हैं, टाइम देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये आपके कदम है, मतलब आप कितनी दूर चलोगे वो सारे कदम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसमें। और यहाँ पे पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये मैग्नेट वाले चार्जिंग पॉइंट है। मैंने वैसे शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, वैसे कनेक्ट करके भी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे ये है आपके जैसे आपका जो हार्ट बीट है, बीपी नापते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी बोल्ट वालों ने दी है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है बोल्ट ड्रिफ्ट, जैसे जूम करके देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा बोल्ट ड्रिफ्ट। अब इसके फीचर्स की बात करेंगे तो वैसे बहुत ही अच्छा है इसका जो ये पेन, ये मतलब कवर है, मतलब ये जो बांधने की कलाई पे है बहुत ही अच्छा रबड़ है। तो यहाँ पे बात करें जैसे इसको मैंने जैसे आप इसको इसमें मोबाइल की तरह भी, मतलब स्मार्ट मोबाइल की तरह भी आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे यह फ़ोन है, पर यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसमें कैमरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर भी है, बहुत ही अच्छा स्पीकर, इसकी आवाज़ में सुना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में यदि अभी गाना चलाऊंगा तो कॉपीराइट आने का डर है। तो यहाँ पे जैसे मैं फीचर्स की बात करूँ, यहाँ पे फ़ोन स्लिप कितनी, मतलब कितने टाइम तक आप सोए, यहाँ पे हार्ट बीट, यहाँ पे बीपी, यहाँ पे एसपी मतलब कितने SpO2, और यहाँ पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में, यहाँ पे आपका एयर वॉइस है, यहाँ पे आप वॉइस है अपने मोबाइल में यहाँ पे बैठे बैठे सर्च कर सकते हो। मैसेज, यदि आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है तो आप आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। वेदर, और नीचे चलेंगे यहाँ पे कैमरा भी ऑन कर सकते हो और कैमरा से कैप्चर कर सकते हो फोटो यहाँ से बैठे बैठे। स्टॉप वॉच, ब्रीथ, अलार्म, म्यूजिक, टाइमर, फ्लैश मतलब फ्लैश लाइट, फाइंड फोन, फाइंड फोन का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। यदि आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप इस पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी फाइंड कर सकते हो, आपका मोबाइल कहाँ पे है। गेम, डायरेक्ट गेम, इसके अंदर गेम नहीं है, गेम यहाँ से ऑन कर सकते हो। अदर सेटिंग्स भी यहाँ पे, जैसे डिस्प्ले, डू नॉट डिस्टर्ब, बहुत सारी सेटिंग्स। वैसे मैं अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे क्या, मैं इसके थोड़े से फीचर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप बैक करोगे तो यहाँ आपको सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसको 2 बार प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद इस तरीके का फंक्शन, यहाँ पर सारे फंक्शन आ गए आपके पास। अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन आपको सही से रीड नहीं हो रहे तो 2 बार प्रेस कीजिए, इस तरीके का फंक्शन आ गया, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी फीचर्स की। तो वहाँ पे हम दोबारा फर्स्ट में आ गए, यहाँ से आपको क्या करना है, इसके नॉर्मल फीचर्स है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी डाटा है, जो भी आपकी एक्टिविटी है किस हिसाब से चल रही है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, प्लीज़ ट्राई आफ्टर पेयरिंग, मतलब अभी हमने मोबाइल से इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है, जैसे कनेक्ट करेंगे आप यहाँ से कॉल उठा सकते हो। यहाँ पे बात करें स्टेप्स की, आप कितने कदम चले, कितने किलोमीटर चले, कितने मीटर चले, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा क्या है कि इसका डिस्प्ले बार बार कुछ ही सेकंडों में बंद हो रहा है। यहाँ पे आप बीपी नाप सकते हो, जैसे यहाँ पे टच करके आप अपनी बीपी चेक कर सकते हो। मेरी बीपी आ रही 81, सॉरी बीपी नहीं, हार्ट बीट है। तो यहाँ पे मेरी हार्ट बीट अभी थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ तो इस वजह से हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ चुकी है। और नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी बीपी है, और ये स्लिप है आप कितने घंटे सोए। यदि आपके हाथ में ये फ़ोन बंधा हुआ है, मतलब सॉरी स्मार्ट वॉच, तो इसे पता चल जाएगा कि आपने कितने घंटे नींद ली है। यहाँ पे बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक आप डायरेक्ट मोबाइल से चला सकते हो। बहुत ही अच्छा स्पीकर है, स्पीकर की आवाज़ में सुना के दिखा देता, पर कॉपीराइट का खतरा है। यहाँ पे आप ब्रीथ की एनालिसिस कर सकते हो, और यहाँ पे आपका बीपी, ये बीपी नापने का है, यहाँ पे बीपी नाप सकते हो आराम से। और यहाँ पे आप जो भी आप वॉइस से कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल असिस्टेंट आता है और एलेक्सा आता है, और जैसे आईफोन में सीरी आता है। यहाँ पे आपके जो भी जैसे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन है यहाँ पे, यहाँ आपका खुद का मैसेज है, यहाँ पे मैसेज है, व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और क्लियर ऑल करना चाहो तो क्लियर भी ऑल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से
गैजेट जो भी है वो ऐड कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि आपका स्टार्टिंग में टेम्परेचर शो करना चाहिए तो आप इस पर टेम्परेचर पर क्लिक कर सकते हो। ये सोचते हो कि आपकी एक्सरसाइज शो करनी चाहिए, मतलब जैसे आप मोबाइल में यहाँ पे डायरेक्ट कैमरा भी ऑन कर सकते हो। सारे बहुत सारे फीचर्स हैं, तो बाकी फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक एक फीचर्स बताएंगे। अगर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।